हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे अलमारी के कपड़े जो है वो सब सही से रखूँगी, क्योंकि बच्चे कपड़े निकालते हैं तो वो अपना इधर निकाला उधर उधर रख देते हैं। कई दिन से सोच रही थी कि अलमारी को सही कर लूँ बस, तो मैंने सोचा कि बीच बीच में खाना भी बनाती जाऊँगी और कपड़े का काम भी फिनिश कर दूँगी, क्योंकि अलमारी में कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे लग रहा है कि बस निकाला उलझे और तय करके भी नहीं रखे थे, थोड़े बहुत रखे हुए थे। ये सेकेंड रो वाली जो रो है जो उसमें मेरी बेटी के कपड़े रहते हैं, मेरे कुछ कपड़े रहते हैं, ऊपर वाले रो में मेरे ही कपड़े रहते हैं। कपड़े रखी रही थी, फिर मैंने सोचा लाओ पहले किचन में खाना बना लूँ क्योंकि टाइम होता जाएगा, तो मैंने पहले सब्जी छौंकी। यहाँ पे आलू तरोई की सब्जी बना रही हूँ जो फटाफट बन भी जाएगी। और सुबह तो वैसे नाश्ते में मैंने दूध ब्रेड केला जिसको जो भी खाना था वो सब दे दिया था मैंने, और उसके बाद चने तो रोजी सभी को खाने, तो चने का भी मैंने इंतज़ाम किया था कि सब्जी भी छोड़ती जाऊँ और साथ में यहाँ चने भी मैं तैयार कर दूँ ताकि बच्चे खा लें और अपना भी खा लें। क्योंकि काम तो भाई देखिए सुबह जितने काम थे वो तो मैंने निपटा लिए, झाड़ू पोछे और जो घर के और भी काम होते हैं, नहा धोकर और भगवान की पूजा वूजा करने के बाद नाश्ता पानी किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा अभी टाइम है, कम से कम एक डेढ़ घंटा तो बचा ही है, तो क्यों ना कपड़े निकाल के अलमारी ही सही कर ली जाए। फिर कपड़े निकाले, फिर सोचा साथ में खाना भी बना लूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अभी कपड़े भी मेरे पड़े हुए हैं सुबह के, उसको भी धोकर डालूंगी, क्योंकि देखिए सुबह इतनी जल्दी नहीं हो तो हो पाता है कि कपड़े धोएं, कभी कभी धो लेते हैं क्योंकि बच्चे भी नहाते बाद में हम ही दोनों लोग जल्दी से नहा लेते हैं, तो ये थोड़े बहुत कपड़े निकल क्या मैं सुबह धोऊं फिर शाम को धोऊं, तो ये रहता है कि इससे सब इकट्ठा कपड़े निकाला तभी धोऊंगी। और यहाँ पे देखिए सब्जी मेरी पूरी तरह से मतलब अच्छे से फ्राई हो गई, इसमें नमक वमक डाल के बस मैं एक सीटी लगाऊंगी, आलू तरोई की सब्जी फटाफट बन जाएगी। और मैं चावल रोटी और ये देखिए चने में यहाँ पे सबको दे दूंगी, चने में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल प्याज टमाटर और काला नमक डालती हूँ और एक नींबू निचोड़ के बस इन लोगों को दे दूंगी। बेटी खाती नहीं, अब मैं खाऊंगी नहीं, मैं बहुत कम खाती हूँ। यहाँ देखिए कपड़े जो साड़ी बहुत 3-4 साड़ियाँ जो मेरी रोज पहनने वाली है मैं यहीं पर रख देती हूँ ताकि आसानी रहे। साड़ी वैसे बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि जितना अच्छा काम सूट में हो जाता है साड़ी में थोड़ा कम बनता है। और यहाँ देखने में तो लग रहे थे कम कपड़े हैं लेकिन जब निकाला तो ढेर के ढेर निकला है, कुछ तहे हुए थे कुछ बगैर तहे हुए थे, ऐसे रखे थे उल्टे सीधे, जिससे कुछ सिकुड़ भी गए थे कपड़े, तो उनको प्रेस भी करना पड़ेगा, वो कपड़े मैं अलग रख दूंगी। यहाँ पे ये पूरे कपड़े मेरी बेटी के हैं, जैसे जीन्स अलग अलग कर दूंगी, टॉप उसके अलग कर दूंगी, जो रोज कपड़े जैसे अक्सर जो कॉलेज पहन के जाती वो कपड़े मैं सारे अलग कर दूंगी जिससे उसको आसानी रहेगी, क्योंकि अगर बच्चों से कहा कि अपनी अलमारी ढंग से लगाओ तो वो नहीं लगा पाएंगे, वो मांगेंगे मुझे से कि मम्मी कपड़े निकाल दो, तो मैंने सोचा ना हो तो मैं ही रख दूँ। और यहाँ मैंने अलमारी को अच्छे से पोंछ के यहाँ पे मैंने पेपर बिछा दिया है, मैं अब कोई पन्नी वगैरह नहीं बिछाती, मैं सिंपल से पेपर बिछाऊंगी। यहाँ कॉर्नर पे अपनी साड़ियाँ रखूंगी, 4-5 साड़ियाँ हैं मेरी, और साइड में मैं ब्लाउज रख दूंगी, और यहाँ कुछ रिशो के जीन्स वगैरह टॉप वगैरह हैं ये सब मैं एक तरफ लगा दूंगी जिससे इसको निकालने में आसानी रहेगी। देखिए काम चाहे जितने भी मतलब बच्चों के काम ना करने हम ही लोगों को पूरे होते हैं। और यहाँ देखिए मैंने सेकंड रो वाली पूरी अलमारी सेट कर दी, अच्छे से कपड़े भी अच्छे से तय हो गए। और यहाँ कॉर्नर पे मैंने जो बैग रखा है उसमें मेरे ब्लाउज हैं जो शादी वगैरह में पहने जाते हैं, तो मैंने उसको एक साइड रख दिया है। और दूसरी अलमारी का तो नंबर पता नहीं कब आएगा, क्योंकि अलमारी में काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि खाना बना भी रही हूँ साथ साथ में और अलमारी भी साफ कर रही हूँ। और ये मेरे ऊपर वाली रो सिर्फ मेरे हैं कपड़े रखे हैं इसमें, तो मैंने सोचा उसको भी क्योंकि कपड़े बीच में मैंने पहने थे, कहीं आना जाना हुआ था तो उल्टे सीधे आके मैंने भी ऐसे रख दिया था, क्योंकि कभी कभी मतलब हो नहीं पाता है कि तुरंत कपड़े तहा के रखो। देखने में तो अलमारी छोटी लेकिन कपड़े बहुत आ जाते हैं, आप लोग तो खुद जानती होंगी अच्छे से, घर के अदर काम भी बहुत हो जाते हैं। सुबह के काम सबके निपटाने के बाद नाश्ता पानी दिया था, उसके पहले तो प्लानिंग ये चल रही थी कुछ और बनाया जाए, पकौड़ी या ब्रेड पकौड़ा वगैरह, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कहा सीधे भाई खाना ही खाया जाएगा। यहाँ मैं तुरंत आके सब्जी बन गई थी, यहाँ मैंने आटा साना, उसको करीबन 10-15 मिनट रेस्ट करने दूंगी और साथ ही मैं यहाँ चावल भी चढ़ा दूंगी। ये देखिए सब्जी तैयार है और यहाँ मैं चावल भी तुरंत तैयार कर दूंगी, खाना मेरा पूरा बन ही जाएगा, 11 बजे तक खाना मेरा बन जाएगा पूरा। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ फिर कपड़े फिर से तह के करके लगा दूंगी। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे जिनको मैं रख दूंगी, अभी रुक के धोऊंगी, पहले मैं कपड़े का काम पहले समेट दूंगी ताकि उससे फुर्सत पा जाऊँ।
ये देखिए अब यहाँ पे आके मैं सीधे तुरंत रोटी वोटी सेक के इनको खिला दूंगी, बच्चों को भी खिला दूंगी और खुद भी खा लूंगी। उसके बाद पूरे कपड़े कायदे से लगाऊंगी जाके, और कपड़े तो मैंने धुल ही गए, फैला भी दिए मैंने तुरंत उसी समय। मैंने सोचा सब काम खत्म कर लूंगी उसके बाद ही कपड़े की अलमारी कायदे से लगाऊंगी। और यहाँ पे ये देखिए मैं बर्तन भी तुरंत वॉश कर दूंगी, जिससे बिल्कुल फ्री होके मैं अलमारी का काम करूंगी। यहाँ देखिए ऊपर रो वाली अलमारी मैंने सोचा निकाला, और उसके बाद फिर जितने कपड़े थे मैंने उनको तह कर दिया। ये मेरे सूट है जो मैं अक्सर पहनती हूँ आने जाने में वो, और ये मेरी जो शलवार है प्लाजो वगैरह मैं एक साइड में रख दूंगी ताकि आसानी रहे। और ये लेगिंग्स हैं जितने सूट की, ताकि निकालने में दिक्कत ना हो। एक एक साथ में प्लाजो और जो शलवार एक तरफ रख दी मैंने, जो लहंगी वगैरह थी वो जितनी भी वो मैंने एक तरफ रख दी। और बस अब यहाँ पे ये मेरे कुछ पॉलीथीन में ये कुछ सूट हैं जो अच्छे हैं, जिनको बहुत कम पहनती हूँ, वो मैं एक पॉलीथीन में अलग करके रख दूंगी, जिससे मुझे आसानी रहेगी। क्योंकि अगर सब मिक्सअप कर दिया जाए तो दिक्कत होती कि लहंगी अलग से निकाली फिर प्लाजो अलग से। और ये मेरे कुछ कपड़े सिलने वाले हैं, इसको मैं भी रख दूंगी, मुझे सिलाई मशीन से इसको सिलना है, इसको मैं भी रख दूंगी। इसके बाद इसको कायदे से मैं सिलूंगी। ये देखिए रखते ही नहीं बन रहा है, अब इसको फिर से मैं रख दूंगी ताकि देखते हैं कैसे क्या रखना है, सिलना तो है ही है मुझे। और उसके बाद पास की अलमारी है जो दूसरी वाली, उसको भी मैं साफ करूंगी। यहाँ कपड़े देखिए इसको रखते ही नहीं बन रहा, क्योंकि आगे कपड़े जो मैं रख रही हूँ तो वो रख ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए उसको मैं बाद में रखूंगी। और यहाँ पे कुछ चुन्नियाँ हैं जो बगल वाले डोर उसमें रखती हूँ मैं अलमारी में, फिलहाल मैं ऐसे ही रख दूंगी इसको अलमारी में भी, सारी चुन्नियाँ मैं एक साथ लगा दूंगी। और ये देखिए ये अलमारी पूरी तरह से लग गई, अभी काफ़ी जगह बाकी है, अभी और भी कपड़े उधर उधर पड़े होंगे तो मैं उनको तय करके इसी में रख दूंगी। ये देखिए इस तरह से कपड़े रखेंगे तो आराम से कपड़े मिल भी जाएंगे। और ये देखिए अब ये वाली अलमारी तो अब एक दो दिन में साफ होगी ये भी। यहाँ पर देखिए ये अलमारी मैं बाद में साफ करूंगी एक दो दिन में, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। और मैं बस अब यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज ये सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय।